सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। उसके बाद हम इसके आगे के टायर की तरफ जाते हैं, जो कि 21 का है और पीछे का 19 है। तो दोस्तों, और सिंगल ABS में ये मिलती है हमें बाइक। साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर से हमें इसका साइलेंसर काफ़ी हाइट पर मिलता है। हाइट पर मिलने का यही है कि हम इसको कहीं भी ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग या कहीं भी हो तो इसमें आराम से इसको क्रॉस कर जाए और इसका थोड़ा सा भी पानी अंदर ना जाए। डबल डिस्क में है पीछे भी। इंडिकेटर की बात करते हैं तो इंडिकेटर इसके दोनों हाइलोजन लाइट है। हाइलोजन लाइट के बाद अब हम जाते हैं इसकी स्क्रीन पर। सो दोस्तों, स्क्रीन पर हमें स्टैंड का सिंबल एंड न्यूट्रल और ABS और साइड इंडिकेटर एंड इंजन स्टार्ट मतलब इंजन का सिंबल आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई देता है ये RPM और सेकंड हमें यहाँ पर गियर पोजीशन दिखाई देती है और थर्ड यहाँ पर हमें स्पीडोमीटर दिखाई देता है। और उसके आगे की बात करें तो ये TRIP 1 है और ये TRIP 2 है और थर्ड हमें यहाँ मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टर, जिससे कि हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है और इससे हमें स्मूथ राइड मिलती है। एंड फोर्थ पर हमें मिलता है इकोसिस्टम से हमें काफ़ी अच्छा एवरेज मिलता है। नेक्स्ट अगर इसको क्लिक करेंगे तो हमें TRIP 1 पर ला के छोड़ देता है। एंड उसके नीचे हमें यहाँ पर टाइम दिखता है और ये पूरा टोटल किलोमीटर दिखाई देता है, कितना ये चला हुआ है। सो दोस्तों, इस तरीके से स्क्रीन है और इसके सामने देख लीजिए आपका ये की पोजीशन है और सामने आपको ये हैंडल बार काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्मूथ है। एंड इसके ये मिरर हैं जो आपके दिखाई दे सकते हैं और इस साइड दिया हुआ है ये स्टार्टर, हेडलाइट अप डाउन का दिया हुआ है और ये इंडिकेटर टर्न हॉर्न दिया हुआ है। और दोस्तों, अभी इस बाइक की बात करें तो इस बाइक में मैंने अभी तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया हुआ है। जैसा लेके आया था शोरूम से वैसे ही अभी मेरे पास है। और दोस्तों, बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मैंने हर जगह इसको चला के देख लिया, 400 किलोमीटर में टोटल आपको अभी दिख गया होगा 439 किलोमीटर चला हुआ है लगभग अभी। सो दोस्तों, इसको मैंने हर जगह चलाया हुआ है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं नदी, इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्मूथ तरीके से चलाया हुआ है। सो दोस्तों, मैंने कहाँ कहाँ चलाया हुआ है सारा कुछ इस छोटे से क्लिप को देखने के बाद मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों, क्लिप देखने के बाद में तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी एक्सपल्स का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है और अभी तक इसने मुझे ऐसा कहीं भी फील नहीं करवाया है जिससे कि हमें लगे कि ये बाइक लेने के बाद मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ।
सो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड राइड सेफ, बाय बाय।